हेलो गाइस, स्वागत है आपका ड्रैको गेम्स में। पिछली बार हमने बटर की वीडियो बनाई थी, खतरनाक रिस्पांस आप लोगों का, और इतनी जिद की कि भाई नेक्स्ट कुकिंग वीडियो कब बना रहे हैं। तो आज बनाने वाले हैं, मछली है भाई, वेज का बहुत सोचा ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया कि वेज क्या बनाया जाए। तो सोचा पहले नॉन वेज ही बनाते हैं, मछली बनाते हैं, आज फिश फ्राई करेंगे ठीक है। आप लोगों को अगर कोई सजेशन हो वेज के बारे में तो वो कमेंट में आप बता देना, और जिन्होंने मटन वाली वीडियो नहीं देखी होगी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। तो ज़्यादा फालतू की बात नहीं, स्टार्ट करते हैं मछली का। मैं दिखा देता हूँ कि क्या है मेरे पास ठीक है। आई हैव फिश, ओके, अच्छे अच्छे पीस मैंने छाट लिए हैं, इसको फ्राई किया जाएगा मस्त एकदम। चलो तो गाइस, इसमें जो मसाले मिलाएंगे हम, हल्दी डाल देंगे ठीक है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल देंगे, और मिक्स मसाला है वो डाल देंगे ठीक है, नमक के साथ, और हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करेंगे मछली को। तो गैस बॉल है यहाँ पर ठीक है, इसमें पीस ले लेते हैं मछली का, और इसमें पहले हम लोग मिलाएंगे मसाले। तो गैस इसमें हम लोगों ने क्या किया, मछली ले लिया ठीक है, उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, मसाला डाल दिया, मिक्स मसाला डाल सकते हैं आप, पर हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आप ऐसे मिक्स कर दो इसको। ये हो गया, थोड़ा सा मिला दो ताकि फैल जाए चारों तरफ मसाले ना, एक तरफ कहीं पर जमा ना हो। तो ये हमारा मसाला पूरा हो गया, और नमक भी हमने डाला है ठीक है, थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं, कम नहीं होना चाहिए नमक। ये मिल गया, ये तैयार हो गया मसाले के साथ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्राई करेंगे ठीक है। फ्राई करने के लिए पैन, पैन में तेल, ओके। तो गाइस पैन हो गया गरम, इसमें हम लोग सरसों का तेल डाल देते हैं ठीक है। और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है ठीक है, पूरा एकदम गर्म होगा तेल ना, तभी सही होगा, ठंडे तेल में नहीं डालना मछली, ओके। तो ये हो गया गर्म, और हम लोग उठाएंगे मछली और एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। जगह बनाओ और चार पीस इसमें डाल दो, थोड़ी देर तक ये फ्राई होगा ठीक है, उसके बाद इसको पलट देंगे, बस ऐसे ही फ्राई करना है। सबसे इजी है और इतना बढ़िया लगता है खाने में। एक बार और मैं खाया हूँ, बढ़िया, बनने के बाद दिखाता हूँ खाकर, मज़ा आएगा। थोड़ा जब हो जाएगा तो आप थोड़ा बीच में आप थोड़ा सा आँच कम भी कर सकते हो ठीक है, देख लेना, ऐसा नहीं कि जलने वलने लगे, और थोड़ा दूर रहना है, पटाखे भी फूटते हैं। ये नहीं कि हाथ भी पड़ जाए आपको, नहीं, ये बचपन में मैंने बनाया है, मैंने फिश करी भी बनाया है बचपन में, मटन करी, चिकन करी, सब कुछ बनाया है। सब्जियां मुझे सारी बनानी आती, काटनी भी आती, खाना पूरा बनाना आता है। तो बीच में एक बार पलट के देख लेंगे कि कहीं जल तो नहीं रहा है दूसरी साइड में, और तो पलट देते हैं आराम से। गाइज अगर नए हो चैनल में और मज़ा आ रहा है देख के, तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, भूलना मत दबाना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, दिखाओ कि ड्रैको गेम्स कुकिंग भी करता है, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट डिश कौन सी बनाऊंगा मैं, कौन सा व्यंजन आपको पसंद है, डिश कौन सी होगी, नहीं कमेंट करके जरूर बताना, और ये वाली डिश कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना कैसा बनाया, खाकर भी दिखाऊंगा ठीक है। पिछली बार खाए नहीं थे मटन, तो बोला था यार तुम तो खाए नहीं अपना बनाया हुआ, तो फिर उन्होंने इस बार खा के दिखाएंगे, खाए थे लेकिन कैमरा पे नहीं खाए थे ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हम ही खाए थे। तो गाइस दूसरी साइड भी एक बार और पलट देते हैं ठीक है, उस साइड लगता है अच्छे से पक गया ठीक है। ऐसे आप, आपको अगर टाइम पता हो तो एक बार पूरा पकने दो एक तरफ, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे दो दो तरफ भी पलट के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जल जाए तो ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए सेफ्टी के लिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा इसे पकाते रहो पलट पलट के।
भाई ऑफ कर दिया, ठीक है, दिख रहा देखो एकदम डार्क ब्राउन रंग में हो गया, जलने नहीं देना है, ठीक है, क्रिस्पी होगा अच्छा है लेकिन जलने नहीं देना है, ओके। ये बन चुका है एकदम फर्स्ट क्लास। इसको निकाल लेते हैं, ओके। प्याज काट लेते हैं, ठीक है, साथ में मजा आएगा खाने में। और पतला पतला, जितना पतला काट सको उंगली बचा के भाई। प्याज कट गया गाइस, ठीक है, अब धनिया पत्ता है हमारे पास, इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। गार्निश करने में सही रहेगा। ये कट गया, और मिर्च भी काट सकते हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट लेमन। ये हो गया, चलिए अब लगाते हैं प्लेट में। ऐसे तो डायरेक्ट आदत है कि छानते छानते प्लेट से ही खाने की, ठीक है, लेकिन वीडियो बना रहे तो थोड़ा सा सजा देते हैं ना। सही लग रहा है देखने में यार। ये हो गया, धनिया पत्ता भी रख दिया गाइस यहाँ पर, ठीक है, और मिर्च जो काटे हैं उसको भी रख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट लेमन, इसको हम गार दो इसमें, और दाने हटा देना, दाने नहीं खाने हमें। और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला उसके स्टाइल में ऐसे करके। वो सॉल्ट बाय है ना, जानते हो। उसके जैसा। और ये गाइस तैयार हो गया, तो गाइस टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला पीस उठाते हैं जिसमें कम कांटे होते हैं। क्या बना है आपको, भी मन करा खाने का? नेक्स्ट में क्या बनाना है जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, बहुत मज़ेदार है भाई, मस्त एकदम।